ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬੋ। ताज नगरी आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना सदर क्षेत्र की न्यू जनता कॉलोनी में एक रेलवे कर्मचारी ने अपनी पत्नी को दाज के लिए मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि रेलवे में कार्यकर कुंवर पाल सिंह का विवाह सिर्फ 14 माह पहले मथुरा की उषा के साथ हुआ था, जिससे बाद उसके एक बेटा भी हुआ। कुंवर पाल आए दिन उषा पर दबाव बनाता था कि वह उसे 4-पहिया वाहन ला कर दे। चूँकि उषा एक मध्यम वर्ग परिवार से थी, इसलिए वो कुंवरपाल की मांग पूरी नहीं कर सकती थी। इसी के चलते कुंवरपाल ने आज उषा को मौत के घाट उतार दिया। उषा के परिवार को सूचना दिए बिना ही विद्युत शव गृह में अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो महिला की मां का कहना है कि हमारी लड़की को दहेज के लिए आए दिन परेशान करता था, रेलवे कर्मचारी होने की दोष देता था और रुपयों की मांग करता था। मेरा नाम योगेश कुमार है भैया। इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है, पता नहीं क्या किया है, उसके साथ में गला घोटा है, जहर खिलाया है या क्या किया है, उसको मार दिया है। और हमको बाद में सूचना मिली है कि उसको जला भी आए। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर हमारी लड़की यूँ कह रही थी पेट में दर्द हुआ, अगर पेट में दर्द है कम से कम घर वालों को सूचित तो करोगे तुम, ऐसे थोड़ी ना मार के जला दोगे किसी को तुम। उसको जलाए आए हैं और इनकी ये दहेज 4-पहिया की गाड़ी वगैरह की डिमांड थी और कुछ कैश वगैरह मांग रहे थे ये। अब मेरे पिताजी विकलांग हैं, मजदूर हैं, अब हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कैसे भी करके अब हमारी मदद करवाए। हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ से हमारी यही गुजारिश है जी। लड़की का पति और उसका पूरा परिवार, उसकी नंद वगैरह, नंद का भी हाथ है इसमें, नंद और सास ससुर वगैरह और जेठ वगैरह के भी हाथ है इसमें। क्या नाम है आपका? मुक्ति देवी। मुक्ति देवी, यहाँ आए, आप क्या समस्या है? क्या हमारी समस्या है? इन लोगों ने सबने मिल के हमारी लड़की मारी है, पता नहीं जहर दिया है, कजन जलाई है, कजन फांसी लगाई है, क्या किया हमें नहीं पता है। हमें सूचना ही नहीं दी है और हमें पता ही नहीं चला और हमारे पास नहीं बताया कि आपकी लड़की खत्म हो चुकी है। किसने मार दिया? कौन है? इसने मारा कुंवर पाल ने। ये कौन लगते हैं? इसके जी मेरे दामाद है। तो आपको सूचना कैसे मिली? हमें एक पड़ोसी ने सूचना दी, उसने शादी करवाई, उसने सूचना दी है, उसने बताया कि आपको मालूम है लड़की को कुछ हो गया, कुछ कर दिया है और पता नहीं कहाँ ले गया है। कितने साल हुए शादी को? अभी उसमें 1.5 साल हुई है। और थाना सदर क्षेत्र में मामला आया है जहां लोगों परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज की खातिर लड़की को गोली मार दी। सर क्या है पूरा मामला? देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और इसका बिना पुलिस सूचना के उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसमें विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। सर पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, पति को? अभी देखिए पूछताछ होती है कि क्या उसकी स्वाभाविक मृत्यु है या कोई इसमें क्राइम हुआ है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।